हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। रोज की तरह मैं लेके आ गई हूँ गेस्ट क्वेश्चन का सीरीज। आप सभी रेडी हो जाइए अपना अपना स्कोर चेक करने के लिए और क्वेश्चंस को समझते जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। 50 क्वेश्चनों का सीरीज है दोस्तों, जिसका मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करा रही हूँ, 8 से 9 हज़ार क्वेश्चंस का। एंड जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कराऊंगी, तभी मैं दूसरा टॉपिक लूँगी। एंड यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे UPTGDPGT हो, UPLT ग्रेड हो, MPTET हो, MP सुपर टेट यानी मेन एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट की TGT PGT हो, चाहे कोई भी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम हो, सभी से रिलेटेड मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन, वन लाइनर क्वेश्चन एंड टॉपिक वाइज MCQ, प्रीवियस ईयर MCQ प्रैक्टिस एंड डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस जो करा रही हूँ, सभी चीज़ें चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए, आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आप सभी इत्मीनान से क्वेश्चंस को हल कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है कि मैनेजर का तकनीकी दृष्टि से क्या कार्य होता है। तो मैनेजर का तकनीकी दृष्टि से क्या कार्य होता है, व्यवस्था करना। क्या होता है, व्यवस्था करना। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुनना है आपको। इंट्राम्यूरल तथा एक्स्ट्राम्यूरल दोनों ही शारीरिक शिक्षा के मुख्य कार्यक्रम हैं, इसमें से इंट्राम्यूरल है। तो दोस्तों, इंट्राम्यूरल मतलब चार दीवारी के अंदर प्रतियोगिता, यानी विद्यालय के अंदर ही प्रतियोगिता। एंड एक्स्ट्रा म्यूरल मतलब एक संस्था से दूसरे संस्था के बीच प्रतियोगिता। तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें से इंट्राम्यूरल है, तो अपने ही विद्यालय में, अपने ही संस्था में चार दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिता या कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें यानी कि बच्चों का मनोरंजन हो रहा है, एक मनोरंजन गेम यानी कि इंटरटेनिंग गेम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। क्या है क्वेश्चन, कि मानवीय आंतरिक क्रिया में प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का सार है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। सभी में मैनेजर जो होता है तालमेल बैठा करके काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प आपको चुनना है कि हाइजेनिक व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी इन्वेंटरी किसको मापती है। हाइजेनिक व्यक्तित्व इन्वेंटरी किसको मापती है। तो दोस्तों, यह केवल दो आयामों को मापती है, यानी कि यह व्यक्तित्व के यानी पर्सनालिटी के दो आयाम यानी कि दो डायमेंशन को मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी कंपोजिशन में क्या आता है। दोस्तों, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अंतर्गत बॉडी कंपोजिशन आता है। बॉडी कंपोजिशन में क्या होता है कि शरीर में उपलब्ध वसा, मांसपेशी तथा हड्डियों की मात्रा से होता है बॉडी कंपोजिशन। तो यहाँ पे आपका फैट यानी वसा, अस्थि यानी बोन, मसल्स यानी मांसपेशी, तीनों आपकी बॉडी कंपोजिशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो बॉडी कंपोजिशन क्या है, शरीर में उपलब्ध वसा, मांसपेशी, हड्डियों की मात्रा से इसका मतलब होता है। इसको मेजर करता है आपका स्किन फोल्ड कैलिपर। नेक्स्ट दोस्तों, परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी परिवर्तीय हैं, वेरिएबल हैं। तो परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी कौन होंगे दोस्तों, तो स्वतंत्र परिवर्ती यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। नेक्स्ट है कि सहसंबंध के गुणांक का मूल्य किस श्रेणी में स्थित रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घ। कोष्टक में -1.00 एंड कोष्टक के बाहर -1.00। नेक्स्ट है, K
केंद्रीय प्रवृत्ति सेंट्रल टेंडेंसी को मापने का एक तरीका बहुलक है। इसे कहा जाता है बहुलक, मतलब बार बार प्राप्तांक का आना। ठीक है, बार बार प्राप्तांक का आना, यह बकर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनुसंधान जहां अन्वेषक चीजों को घटित होने के लिए निरूपण कर सकता हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रयोगात्मक अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह प्रतिचयन। क्लस्टर सैपलिंग किस प्रकार का है, तो यह आपका होगा समूह प्रतिचयन किस प्रकार का है, यानी कि क्लस्टर सैंपलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। क्या होगा ख, यानी कि प्रसंभाव्यता प्रतिचयन यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उचित विकल्प चुनिए। क्या है, एक 40 साल के व्यक्ति की विश्राम अवस्था की हृदय गति 75 बीट्स प्रति मिनट और अधिकतम हृदय गति 180 बीट्स प्रति मिनट है। इस व्यक्ति की 60% प्रशिक्षण हृदय गति कितनी होगी, तो दोस्तों आपको 180 में से 60% निकालना है, तो क्या हो जाएगा 180 × 60% × 60/100 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 108 बीट्स प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर एक मायोसिन रेशा यानी फाइबर घिरा हुआ होता है। हमारी जो कंकाल मांसपेशियां होती हैं वह एक्टिन और मायोसिन फाइबर यानी तंतुओं से मिलकर बनी होती है, और हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, एक्टिन छड़ों के मायोसिन छड़ों पर खिसकने यानी फिसलने पर मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई कार्य करता है। तो यहाँ पे जो मायोसिन रेशा होता है वह एक्टिन के 6 एक्टिन रेशों से ढका रहता है, 6 एक्टिन रेशों से घिरा रहता है। जैसा कि मैंने जब आपके रेशा के बारे में बताया है तो ये आपका मायोसिन होता है। क्या होता है, मायोसिन। इन्हीं के बीच में आपका एक्टिन होता है। क्या होता है, एक्टिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होता है जेड लाइन, एक्टिन की ही लाइन होती है। अब जब एक्टिन जो होता है मायोसिन पर फिसलती है, यहाँ दोनों आकर के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एम लाइन पर। ठीक है, तो इसको मैं एक वीडियो में डिटेल में समझाई हूँ तो आप समझ सकते हैं। और इन दोनों के बीच के भाग को, दोनों जेड लाइन के बीच जो एक्टिन मायोसिन होती है उसे कहा जाता है, आपको मसल्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती है तो सार्कोमियर बोला जाता है बीच वाले भाग को, जहाँ पे एक्टिन मायोसिन दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तंत्रिका उत्तेजना न्यूरल एक्साइटेशन की अवसीमा क्या है, तो इसका सही जवाब होगा 11 मीटर मिनट वोल्ट्स। नेक्स्ट है मानव शरीर में नई मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है दोस्तों, मानव शरीर में हमारे टूट फूट की निरंतर मरम्मत कौन करता है, तो प्रोटीन करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वसा तो ऊर्जा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन आपका राइट हो जाएगा। अब विटामिन जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं। नेक्स्ट है किन ओलंपिक खेलों में नई एवं अशोधित शपथ ली गई, जिसमें ड्रग्स का उपयोग तथा देश की जगह टीम की महिमा के लिए प्रतिस्पर्धा करने को जोड़ा गया था, तो वो था 2000 सिडनी ओलंपिक। कौन था, 2000 सिडनी
ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 2000 सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में। रेचेल हॉके ने सबसे पहले डोपिंग के विरुद्ध शपथ की शुरुआत की। रेचेल हॉके जो ऑस्ट्रेलिया की महिला हॉकी दल की कप्तान ने सबसे पहले डोपिंग के विरुद्ध शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का स्त्राव होता है, तो इंसुलिन हार्मोन है जो जिसका स्त्राव पैंक्रियाज से होता है, यानी अग्नाशय से, के लैंगरहैंस दीपिका के बीटा कोशिका से होता है, जिसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। नेक्स्ट है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण होता है, जो हमारे आंखों में रेडॉप्सिन लेयर होती है वो खराब हो जाती है, जिससे रात को दिखाई अंधेरे में दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राउच की सेट पोजीशन में हिप लाइन और शोल्डर लाइन को निम्नलिखित तरीके से रखा जाता है, तो दोस्तों क्राउच स्टार्ट जो है स्प्रिंट दौड़ों 100, 200, 400 मीटर दौड़ एंड रिले रेस एंड बाधा दौड़ों में उपयोग किया जाता है, जिसमें तीन कमांड दिए जाते हैं ऑन योर मार्क सेट एंड गो यानी गन फायर। तो इसमें सेट पोजीशन में क्या स्थिति रहती है हमारे बॉडी की, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी स्थिति रहती है हिप लाइन शोल्डर लाइन से ऊंची, थोड़ी ऊंची होती है, जो हिप लाइन होती है वो शोल्डर लाइन से थोड़ी ऊंची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की गति में परिवर्तन में प्रतिरोध को कहते हैं, तो वस्तु की गति में परिवर्तन में जो बाधा उत्पन्न हो रहा है प्रतिरोध को क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे जड़त्व। क्या कहेंगे? जड़त्व। नेक्स्ट है शिक्षा में प्ले वे यानी खेल विधि प्रारंभ करने का श्रेय किसे है, तो कार्लवेल कुक को है। ठीक है, एक होता है किंडरगार्टन पद्धति को किसने विकसित किया, तो फ्रेडरिक फ्रोवेल ने। नेक्स्ट दोस्तों यंत्र विद्या यानी कि मैकेनिक्स की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं, तो दो प्रमुख शाखाएं हैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। नेक्स्ट है पढ़ाने के विशेष तरीका का आधार होता है, तो पढ़ाने के विशेष तरीका का आधार क्रियाकलाप का स्वरूप यानी नेचर ऑफ द एक्टिविटी कैसा है उसको ध्यान में दिया जाता है, ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रतियोगिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चार भिन्न घटनाएं या अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं, तो कौन कौन सी दोस्तों, यहाँ पे ख आपका राइट है, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, बहुत सारे प्रतियोगी होंगे यानी वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी ऑब्जेक्टिव कंपटीटिव स्थिति होगी, फिर आप क्या करेंगे, बहुत सारे प्रतियोगी हैं लेकिन आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देंगे, तो यहाँ पे उसके बाद होगा व्यक्तिनिष्ठ प्रतियोगी सब्जेक्टिव कंपटीटिव स्थिति होगा, उसके बाद आप रिस्पॉन्स करेंगे, क्या करेंगे, रिस्पॉन्स यानी उसकी प्रतिक्रिया करेंगे, अनुक्रिया करेंगे, लास्ट में आपका परिणाम आएगा, क्या आएगा लास्ट में, परिणाम। इस प्रकार खो आपका राइट है। नेक्स्ट है कि नेतृत्व करना प्रबंधन का मुख्य कार्य है, नेतृत्व में नीचे दर्शाए गए कार्य आते हैं, कार्य किए जाते हैं, तो नेतृत्व में क्या कार्य किए जाते हैं दोस्तों, तो नेतृत्व में हम दूसरे को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं एंड आदर्श स्थापित करते हैं, रोल मॉडल बनते हैं दूसरे का एंड निर्देश देते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान प्रशिक्षण में किसके मापन की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों ज्ञान प्रशिक्षण में सूचना अनुप्रयोग और मान्यता की आवश्यकता होती है, 1, 2, 3 का। नेक्स्ट है यहां पे तो दोस्तों यहां पे होना चाहिए राइट, right.
यहाँ पे राइट आपका घ होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 सभी चीजें आना चाहिए ज्ञान प्रशिक्षण में, यानी कि सूचना भी, अनुप्रयोग भी, मान्यता भी, पुनरावलोकन भी, मूल्यांकन भी, तभी तो माना जाएगा कि हाँ ये परीक्षित है, शुद्ध है। नेक्स्ट है साधारण प्रतिक्रिया के विकास के लिए निम्नलिखित विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ पे राइट है आपका 1, 2 और 4 क्या है, ग, यानी कि बारंबारता की प्रक्रिया, विश्लेषणात्मक विधि यानी एनालिटिक विधि, सेंसोमोटर विधि। साधारण प्रतिक्रिया के विकास के लिए बारंबारता की प्रक्रिया, विश्लेषणात्मक विधि, सेंसोमोटर विधि उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों मैक्स VO2 यानी VO2 मैक्स के निर्धारक हैं। VO2 मैक्स होता क्या है, जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई अभ्यास कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम थक जाते हैं और उस समय और क्रिया करने का मन नहीं करता और बार बार तेजी से हम मैक्सिमम VO2 मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। तो उस समय जल्दी जल्दी हम सांस लेते हैं और जल्दी जल्दी सांस लेकर के मैक्सिमम अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जब हमारा वर्कआउट करते करते हमारा जो हार्ट बीट होता है 180 तक पहुंच जाता है तो उस समय हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उसी को कहते हैं अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। तो इसके निर्धारक कौन है, तो इसके निर्धारक है दोस्तों 1 और 2 यानी कि कोशिका जाल कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है, एंड एट्रियोवीनस का ऑक्सीजन अंतर। ये आपका दोनों राइट हो जाएगा यानी कि गो आपका राइट होगा। नेक्स्ट है लचीलेपन के विकास को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों संधि का ढांचा, संधि का प्रकार कैसा है, आयु और लिंग कैसा है, थकान, ये सभी चीजें प्रभावित करती हैं लचीलेपन के विकास को। नेक्स्ट है खिलाड़ी का आक्रामक व्यवहार किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो दोस्तों खिलाड़ी कब आक्रामक हो जाता है, जब अपनी टीम के साथ भावनात्मक तादात्म्य में नहीं बैठा पाता है और खेल की जैसी परिस्थितियां होता है उसके अनुसार वो अपना आक्रामक व्यवहार दिखाता है। तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, 2 और 4 आपका राइट हो जाएगा, गो। नेक्स्ट है एरोबिक प्रशिक्षण बढ़ाता है। तो दोस्तों हम जब एरोबिक प्रशिक्षण करेंगे यानी कि सहनशीलता वाले कार्य करेंगे तो उससे हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस क्षमता बढ़ेगी, जिससे हमारी मांसपेशी फाइबर जो है मोटे होंगे, ग्लाइकोलेटिक क्षमता बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 1, ग्लाइकोलेटिक क्षमता एंड तंतु यानी कि मांसपेशी तंतु का मोटा होना आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे को राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि चक्का फेंकने यानी डिस्कस थ्रो की क्रिया के निम्नलिखित चरणों को उनके अनुक्रम और कार्यान्वयन के अनुसार नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क, कैसे होगा, सबसे पहले हम भाला को लेकर प्रीलिमिनरी स्विंग करेंगे, प्रारंभिक डोला जिसे कहते हैं, दौड़ेंगे, उसके बाद हम रोटेशन करेंगे, उसके बाद हम रिलीज स्टांस यानी फेंकने की स्थिति में होंगे, उसके बाद फेंक देंगे यानी कि निर्मोचन क्रिया, रिलीज एक्शन यानी कि फेंक दिए भाला, इस प्रकार ये सीक्वेंस चलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्भूत अभिप्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन में शामिल है। तो उपलब्धि एंड पुरस्कार तो वह अभिप्रेरणा है, तो यहाँ पे कौन शामिल होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ज्ञान और प्रशंसा दिया है, लेकिन प्रशंसा तो बाह्य अभिप्रेरणा में आ जाएगा, बट इसको दिया क्यों है, इसलिए कंफ्यूजन है इसमें दोस्तों।
लेकिन कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो इसमें आपका यही मान लिया जा रहा है, लेकिन आपको अच्छे से चेक करना होगा। प्रशंसा जो है वह अभिपीड़ा में आता है, ज्ञान आपका आंतरिक अभिपीड़ा हो सकता है, हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई संस्थाएं भारत में किस क्रम में प्रारंभ हुई, तो छोटे से बड़े की तरफ हम जाएंगे आरोही क्रम में। तो देखेंगे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई नई दिल्ली की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ था। एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स यानी अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना 1954 में हुआ था। एंड लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना 1957 में हुआ था। एंड YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की मद्रास की स्थापना 1920 में एस सिबक द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले आ जाएगा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास 1920, यानी चौथा आपका आ जाएगा सबसे पहले। फिर आपका आएगा 2 यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद 3 यानी कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1957। फिर आपका फर्स्ट आ जाएगा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली 1984। इस प्रकार आपका यहाँ पे राइट क होगा। नेक्स्ट है, आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, तो आप यहाँ मिलान कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा साधन एंड सह अभ्यासिक शिक्षा साधन यानी एक्स्ट्रा करिकुलर। तीसरा है श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल शिक्षा साधन एंड दृश्य विजुअल साधन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आप इसको आराम से बुद्धि लगाकर मिला सकते हैं। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा साधन एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा संग्रहालय। एंड सह अभ्यासिक शिक्षा साधन यानी एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या आ जाएगा, कैंप लगाना आ जाएगा। तो 2 का 3 हो जाएगा, 1 का 4 2 का 3। एंड श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल शिक्षा साधन क्या होगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका दूरदर्शन में आप देखते भी हैं सुनते भी हैं। एंड दृश्य विजुअल साधन क्या हो जाएगा, मॉडल। इस प्रकार आपका ख आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कि अभिकथन ए और आर दिए गए हैं, उसमें से आपको छांटना है। अभिकथन ए है कि समाज में खेल तथा शारीरिक क्षमता की ओर बहुत ज्यादा अभिरुचि बढ़ी है, जिससे योग्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षकों के लिए व्यवसाय के मौके बढ़े हैं। तो राइट है यह। एंड आर है कि आधुनिक तेज रफ्तार के जीवन शैली के कारण खेलों में सामूहिक प्रतिभागिता अड़चन बनी है। तो ये आर आपका इसका सही व्याख्या नहीं करता है ए की, तो आपका क्या राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों आपको मिलान करना है कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में शारीरिक बाधाएं कौन सी हैं। तो कम्युनिकेशन में शारीरिक बाधाएं होंगी, क्या होगी कम्युनिकेशन में शारीरिक बाधाएं होंगी, दूरी, ठीक है। एंड संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में व्यक्तिगत बाधाएं क्या होंगी, अंतर, एक दूसरे में अंतर, ठीक है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में भाषाई बाधाएं क्या होंगी, जो उसमें चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, तो आपका 4 हो जाएगा। एंड संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन प्रतिष्ठा की बाधाएं क्या यहाँ पे होगी, तो संबंध में, एक दूसरे के संबंध कैसा है उस पे, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ग। नेक्स्ट है, परीक्षणों को उनकी कोफिशिएंट ऑफ वैलिडिटी के साथ सुमिलित कीजिए। तो ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं खाली बता देती हूँ और बस देख लीजिए, इतना आने की संभावना नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ग, यानी कि एडम फिजिकल एजुकेशन स्केल का वैलिडिटी क्या है, इसकी वैलिडिटी है 0.77। एंड कॉविल सोशल एडजस्टमेंट इंडेक्स का वैलिडिटी है
0.62 एंड ब्लैक कर्ड बिहेवियर रेटिंग स्केल का वैलिडिटी है 0.93 एंड जॉनसन स्पोर्ट्समैन एटीट्यूड स्केल का वैलिडिटी है 0.43। इस प्रकार आपका गो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 से सूची 2 से आपको मिलान करना है, तो आप मिलान कीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रशिक्षण के कार्य और रिकवरी के मध्य के संबंध को समय द्वारा व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों रिकवरी, प्रशिक्षण के कार्य और रिकवरी दोनों के बीच के संबंध को कहते हैं प्रशिक्षण का घनत्व यानी लोड डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ का राइट हो जाएगा 4। ठीक है, प्रशिक्षण का घनत्व यानी डेंसिटी, इस प्रकार 1 का 4 होगा, क्या होगा 1 का 4 हो जाएगा। एंड दूसरा है कार्य और विश्राम के मध्य प्रेरणा और पुनर्निवेशन स्टिमुलेशन का सही प्रत्यावर्तन का परिणाम होता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन, क्योंकि कार्य विश्राम के मध्य वो परिस्थितियों में अनुकूलन बैठा रहा है, एडाप्टेशन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका 3, प्रदर्शन के दौरान विभिन्न मांसपेशियों के बीच होने वाली अंतिम क्रिया क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है अंतः मांसपेशीय समन्वय कोऑर्डिनेशन। 4 है आपका तंत्रिका मांसपेशी इकाई अंतः क्रिया का कार्य को करने में एक साथ भाग लेना यानी न्यूरोमस्कुलर यूनिट, ए आपका हो जाएगा 2 यानी कि अंतर मांसपेशी समन्वय कोऑर्डिनेशन। इस प्रकार राइट आंसर होगा 4 यानी घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। यहाँ पे है मांसपेशी स्प्रिंडल, इसको आप मिलाइए मांसपेशी स्प्रिंडल, इसका हो जाएगा 4 यानी कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स। एंट्राइड का हो जाएगा 3 यानी कि कैल्शियम आयंस। और जेड लाइन जो है एक्टिन की ही लाइन, मैंने बताया था कि इधर आपका दोनों तरफ है, इसमें बीच में आपका एक्टिन और मायोसिन है, तो ये जो दोनों लाइनें हैं एक्टिन की ही लाइन जेड लाइन कहलाती है, तो जेड लाइन हो जाएगा 3 का 1। जेड लाइन एक्टिन रेशा हो जाएगा, ठीक है, जेड लाइन एक्टिन रेशा हो जाएगा। एंड मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बांध के रखता है, ऊर्जा को बांध के मांसपेशियों में, तो वो हो जाएगा मायोग्लोबिन ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, तो यहाँ पे आप आराम से मिला सकते हैं धारणाएं, संज्ञानात्मक सामर्थ्य, संवेगात्मक सामर्थ्य एंड आक्रमण। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आक्रमण क्या है, अटैक क्या है, एक प्रकार का व्यवहार है, तो आपका ये आपका राइट हो जाएगा 5 का 1। 5 का 1 किस में दिया है, ए में ही दिया है यानी क में ही दिया है। एंड जो संज्ञानात्मक सामर्थ्य यानी कॉग्निटिव मेजर्स होता है, उसमें सेंस यानी बुद्धि की बात होती है, तो आपका 2 का 3rd कहा दिया है यहाँ पे। एंड संवेगात्मक सामर्थ्य इमोशनल पावर जो होता है वह सेल्फ रेगुलेशन यानी कि स्वयं में होता है, स्वयं को आप विनिमय करेंगे, स्वयं को के अंदर होता है कि हाँ इमोशनल गुस्सा प्रेम उत्साह भावना ये सब सेल्फ रेगुलेशन के द्वारा। ठीक है, एंड 3 का क्या हो जाएगा 4। एंड 1 है धारणाएं यानी कि एसिम्पशन, धारणा यानी कि एक दृष्टिकोण होता है अप्रोच, यानी 2 हो जाएगा आपका 1 का 2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क राइट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान करना है,
यहाँ पे आपके मनोरंजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपको सबसे पहले आ रहा है उसको मिलाइए। सृजनात्मक मनोरंजन, क्रिएटिव रिएक्शन क्या होगा? चित्रकारी यानी चित्र बनाना, एक आप क्रिएट कर रहे हैं नया चीज, तो यहाँ पे क्रिएटिव रिक्रिएशन यानी कि सृजनात्मक मनोरंजन हो जाएगा, चित्रकारी यानी कि पेंटिंग। तो यहाँ के फोर का वन हो जाएगा, फोर का क्या हो जाएगा, वन। तो फोर का वन आपका क और ग दोनों में दिया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सक्रिय मनोरंजन की बात करें, सक्रिय मनोरंजन टू का फोर हो जाएगा, खेल हो जाएगा, खेल में हम सक्रिय रहते हैं। तो टू का फोर कहाँ पे दिया है, तो टू का फोर भी दो जगह दिया है, क और ग में। इस प्रकार हम आगे देखते हैं, तो निष्क्रिय मनोरंजन क्या होगा, टीवी देखना, यानी टीवी देखने में हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, हमारा अंग जो है सक्रिय नहीं है। थ्री का क्या हो जाएगा, टू, थ्री का टू। इस प्रकार यहाँ पे आपका बन रहा है ए। आप बात करते हैं ऋणात्मक मनोरंजन, जुआ खेलना, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ऋणात्मक मनोरंजन है, मनोरंजन है बट एक समाज द्वारा मान्य नहीं है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, सूची वन को सूची टू से मिलान करना है। यहाँ पे आपका दुर्बल यानी कि एस्थेनिक, सुडोल यानी कि एथलेटिक एंड पिकनिक अटायर्स प्लास्टिक, यानी कि क्रेसमन ने बॉडी टाइप को चार प्रकार में बांटा है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायस प्लास्टिक। तो उसी की विशेषता को आपको एक दूसरे में मिलान करना है। तो आपने पढ़ा ही है, तो दुर्बल यानी कि एस्थेनिक, वो दुबला पतला शरीर हो जाएगा, ए का टू, पहला का टू हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका सुडोल एथलेटिक बॉडी में सब तरह से अच्छा होता है, तो वह स्वस्थ गठन तथा संतुलित मांसपेशियां होंगी, आपका टू का थ्री हो जाएगा। एंड पिकनिक गोल का शरीर होता है, छोटा मोटा होता है, आपका थ्री का वन हो जाएगा। एंड कुगठित डायस प्लास्टिक जो होता है जिसमें सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो यहाँ पे ओ ना दे करके यहाँ कुगठित ही दिया है, तो फोर का फोर हो जाएगा। इस प्रकार आपका ख राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची वन को टू से फिर से मिलान करना है आपको। वाह ग्राहक एक्सटेरोसेप्टर, तो इसका हो जाएगा वाह ग्राहक एक्सटेरोसेप्टर, इसका हो जाएगा टू, यानी कि वाह उद्दीपन ग्राही रिसेप्टर्स होता है। वाह ग्राहक यानी कि जो हमारे अंगों से सूचनाएं जाता है मस्तिष्क तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, वो वाह ग्राहक के द्वारा यानी कि रिसेप्टर्स द्वारा वातावरण से ज्ञान कराता है, ठंडा गर्म दुख सुख जो भी चीजें हैं वो जो सेंस ऑर्गन होती है ले जाता है हमारे मस्तिष्क की तरफ, तो वो वाह ग्राहक होता है। तो ए का टू हो जाएगा। एंड दूसरा है स्वस्थिति ग्राहक प्रोप्रायोसेप्टर्स, तो इसका हो जाएगा स्वस्थिति ग्राहक प्रोप्रायोसेप्टर्स, इसका हो जाएगा फोर, यानी शरीर के अंदर से उद्दीपन प्राप्त करने वाला ग्राही रिसेप्टर्स रिसीविंग, जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो प्राप्त किया भेजा, तो वाह ग्राहक रिसेप्टर्स ऑर्गन, बट रिसेप्टर्स को रिसीविंग कौन किया, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, तो रिसेप्टर रिसीविंग स्टिमुलेशन फॉर्म विद इन द बॉडी, ठीक। उसके बाद अंतर्ग्राहक इंटरोसेप्टर्स का हो जाएगा आपका आंतरिक उद्दीपन ग्राही रिसेप्टर रिसीविंग इंटरनल। उसके बाद नोसीसेप्टर, इसका हो जाएगा थर्ड अधिकतर हानि उद्दीपन प्रतिक्रिया ग्राही रिसेप्टर्स रिस्पोंडिंग रेयरली टू इंजरीज स्टीमुलाई। इस प्रकार आपका हो जाएगा क राइट। नेक्स्ट है सूची एक को टू से मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, प्रतिघात का नियम दिया हुआ है। तो
यहाँ पे ध्यान लगा के आंसर आपको देना है, तो जड़त्व का नियम ये बल की संरचना है। आप कोई इसी वस्तु गति अवस्था में है तो गति में रहेगी, और जड़त्व में है तो जड़त्व में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई वाह बल नहीं लगाएंगे तो ये बल की संरचना में आ जाएगा। त्वरण यानी एक्सीलरेशन यानी वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे त्वरण का दूसरा का हो जाएगा फोर्स यानी संवेग यानी मोमेंटम। तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो यानी कि जितना बल हम किसी वस्तु पर लगाएंगे वह वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगा, जैसे कि गेंद को दीवार पर फेंकना, इस प्रकार ये हो जाएगा प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन फोर्स। एंड चौथा है प्रतिघात नियम, लॉ ऑफ रिबाउंड, ये हो जाएगा आपका लोच यानी कि इलास्टिसिटी, ठीक है, धक्का देता है इलास्टिसिटी जो लोच होता है। तो इस प्रकार आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन अभिकथन है, कथन है ए क्राइटेरियन रेफरेंस्ड परीक्षणों का प्रयोग प्राप्त विषय के स्कोर की कुछ पूर्व निर्धारित मानकों के साथ तुलना करके व्याख्या करने के लिए किया जाता है, व्याख्या करने के लिए किया जाता है, ये बात राइट है। आर है किसी विषय या किसी विषय क्षेत्र की न्यूनतम प्रत्याशित अधिकम एक्सपेक्टेड लर्निंग अपेक्षाएं स्थापित करते हैं, अतः ये निकटतम अभिसारी क्लोज कन्वर्जन चिंता को की ओर प्रवृत्त करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट हो जाएगा क, कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है नीचे दो कथन अभिकथन दिए गए हैं, ए है अभिकथन ए है कि आवेग यानी इम्पल्स की तीव्रता यानी इंटेंसिटी, यानी कि आवेग की जो तीव्रता है इंटेंसिटी है, और उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी और उसकी अधिकतम शक्ति है, यानी कि आवेग की तीव्रता और उसकी आवृत्ति उसकी अधिकतम शक्ति है। और कारण आर दिया हुआ है कि किसी खिलाड़ी की उत्पन्न अधिकतम शक्ति संचलन की बायोमैकेनिकल विशेषता और मांसपेशियों की संकुचन के विस्तार पर निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि ए आर दोनों राइट है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, अभिकथन ए है कि कोच के लिए किसी खिलाड़ी की प्रतियोगी दुश्चिंता एंजाइटी स्थिति का सही आकलन करना कठिन होता है, तो बात सही है। आर कारण है कि कोच का यह विश्वास है कि खिलाड़ी बढ़ी हुई प्रतियोगिता संबंधी दुश्चिंता के कारण प्रदर्शन में कमी के दुख से ग्रस्त होता है। तो यहाँ पे आपका ए आर तो दोनों सही है, बट जो ए आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा घ। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक अभियंत्रण व्यक्तित्व का सर्वाधिक मूल स्तर है, एंड आर है कि मनोवैज्ञानिक लक्षण परिवर्तनीय और बाह्य है और वातावरण से लगातार सामंजस्य स्थापित करता है। तो यहाँ पे ए और आर, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है, ए सही है लेकिन आर यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें शरीर मन तथा आत्मा स्वस्थ अवस्था में हो, विशेषतः शारीरिक रोग और दर्द मुक्त हो। एंड आर आपका कारण है कि स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य में नागरिक उत्तरदायित्व का विकास करना है। तो यहां पे आपका राइट हो जाएगा
ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है कि विश्व के युवा वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय समझ और सद्भावना विकसित करने जैसी किबर्टिन मौलिक और उच्च विचारधारा को अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। आर कारण है कि आयोजकों ने ओलंपिक खेलों का प्रयोग किबर्टिन की उच्च विचारधारा को परिणत करने के बजाय अपनी आर्थिक शक्ति और राजनीतिक सर्वोपरिता को स्थापित करने के लिए किया है। तो यहाँ पे ए और आर तो दोनों राइट है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये थे 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, कठिन लेवल के क्वेश्चन थे, लेकिन ये सब भी ये इस प्रकार के कथन अभिकथन कारण के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए। कठिन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, सरल क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी डाउट होगा उसे भी कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए।